फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा अपने काम से ज्यादा अपने बयानों के चलते ही सुर्खियों में रहते हैं। राम गोपाल वर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लकड़ी एंटर द गर्ल ड्रैगन के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। इसी बीच राम गोपाल वर्मा ने फिर कुछ ऐसा कह दिया है जो अब सुर्खियों में छा गया है। दरअसल फिल्म मेकर ने अपनी एक ख्वाहिश जाहिर की है जो बड़ी ही अजीब है। राम गोपाल वर्मा ने बताया है कि वो एक आदमी को किस करना चाहते हैं। दरअसल हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान राम गोपाल वर्मा ने बताया है कि वो ब्रूस ली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। जब वो छोटे थे तभी से उन्होंने एंटर द ड्रैगन फिल्म देखी थी और तभी से वो ब्रूस ली के फैन हो गए थे। जब निर्देशक से पूछा गया कि अगर ब्रूस ली जिंदा होते तो वो उनसे क्या सवाल पूछते, इस पर राम गोपाल वर्मा ने कहा, मैं गे नहीं हूँ लेकिन ब्रूस ली इकलौते ऐसे आदमी हैं जिन्हें मैं किस करना चाहता था। ब्रूस ली के एग्जिस्टेंस की वजह से मैं उन्हें किस करना चाहता था। बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने ब्रूस ली और बाकी मार्शल आर्टिस्ट के बीच का अंतर भी बताया है। राम गोपाल वर्मा ने कहा, ब्रूस ली के बारे में कुछ तो काफी बेहतरीन है जो सिर्फ उनकी स्पीड नहीं है, सिर्फ ताकत नहीं है। मैं नहीं मानता कि उनकी पंचिंग ताकत में 10-15% तक का अंतर है, ये उनकी पर्सनालिटी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है और उनकी आंखों में वो है। वो अपनी ताकत जानते हैं, वो ऑडियंस को वक्त देते थे कि वो उनके पंच पर रिएक्ट कर सकें। वेल, हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं ऋषिका जैन, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।